नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे इज माय फर्स्ट फुल फ्लेज्ड वीडियो ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एसयूवी कार्स इन द 10 टू 18 लाख सेगमेंट, एंड दे आर ह्युंडई। एंड स्कोडा कुशैक। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन, इनका डिटेल्ड एनालिसिस और क्या फीचर्स, क्या स्पेसिफिकेशंस इन दोनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जिसपे कि आप इनको जज कर सकते हैं, और क्या क्या वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन गाड़ियों के स्पेसिफिक्स, ब्रांड स्पेसिफिक्स फैक्टर हैं जो कि इन गाड़ियों में ब्रांड जो है इनको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैंने बहुत एनालिसिस किया है, बहुत रिसर्च की है, बहुत मेहनत की है। इफ यू रियली लाइक and appreciate the video, please do like the video and subscribe the channel. There are a lot of people who watch the channel but don't subscribe it, so guys please subscribe the channel. And agar isi tarike ki videos aapko pasand hain jisme ki aapko detailed analysis, comparisons aur unke kuch aise hidden facts and things aapko janna hai jiske basis pe ki aap ek gaadi ko judge kar sakte ho, aur sirf main jo inke facts hote hain unko by internet padh ke aapko nahi batata, main uske andar ghus ke actually main bhi ye janne ki koshish karta hu ki kya wo jo फैक्टर्स हैं, क्या वो जो फिगर्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी फीचर्स हैं, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो उस गाड़ी को दूसरी गाड़ी से बेहतर बनाती हैं। अगर आपको इसी तरीके की जानकारी, इसी तरीके की नॉलेज पसंद है तो दोस्तों जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के साथ में जुड़े रहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन की। हम कंपैरिजन की बात करते हैं, जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि किससे कौन सी बेहतर है गाड़ी और क्या वो रीजंस हो सकते हैं जिससे कि आप एक पर्टिकुलर गाड़ी को चूज कर सकते हैं टू बी योर कार, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ फैक्टर्स होने चाहिए, कुछ ऐसे बेसिक फाउंडेशन होने चाहिए जिसपे कि हम उन दोनों को जज करने वाले हैं। तो मैंने ऐसे ही 9 बेसिक फाउंडेशंस बनाए हैं जिसमें कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन किन बेसिस पे हम उन गाड़ियों को जज करने वाले हैं। सबसे पहला उसमें आ जाएगा इंजन के बारे में हम रिव्यू करेंगे, सेकेंड आ जाएगा सेफ्टी, थर्ड आ जाएगा प्राइस, फोर्थ आ जाएगा यूनिक फीचर्स, फिफ्थ आएगा हमारा इंटीरियर्स एंड कलर ऑप्शंस, सिक्स्थ आएगा कम्फर्ट एंड स्पेस, सेवन्थ आएगा कनेक्टिविटी, एट्थ आएगा व्हील्स, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम, नाइन्थ आएगा हमारा गाड़ी की डायमेंशन दोनों गाड़ियों की। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने इस वीडियो में क्या किया है, आपको दोनों गाड़ियों का पूरा ओवरव्यू दिया है, द बेस्ट द बोथ कार्स ऑफर। पूरा ओवरव्यू देने के बाद में फर्दर आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन स्पेसिफिक कंपैरिजन यानी कि स्पेसिफिक ट्रिम्स का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किसके मॉडल में, कौन से वेरिएंट में क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। वो कंपैरिजन आपका इंजन ऑप्शन के हिसाब से भी हो सकता है, वेरिएंट के हिसाब से भी हो सकता है, और आपका फ्यूल टाइप के हिसाब से भी हो सकता है। तो इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करके मैं इन वेरिएंट कंपैरिजन करके भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये दोनों गाड़ियां आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या ऑफर करती हैं, और एक एक करके मैं सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए उन सारे फैक्टर्स पे दोनों गाड़ियों की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस और कंप्लीट आपको जो कंपैरिजन है वो करके बताने वाला हूं। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले इंजन पे। तो इंजन हमें जो देखने को मिलता है क्रेटा में, हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे पास में क्रेटा में तीन इंजन ऑप्शंस आ जाते हैं। देयर आर थ्री इंजन ऑप्शंस व्हिच आर 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जिसमें कि आपको 115 पीएस की पावर देखने को मिलती है और जो मैक्सिमम टॉर्क है 147 आपको देखने को मिलता है, और ये इंजन आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल एंड IVT गियरबॉक्स के साथ में। सेकंड, अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 1.5 U2 CRDI डीजल इंजन है जिसमें कि 115 पीएस की आपको पावर देखने को मिलता है और 250 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क देखने को मिलता है। ये इंजन ऑप्शन आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। इसके बाद में एक और जो मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट जिसको कह सकते हैं स्पोर्टी इंजन आता है ह्यूंडई का, वो है 1.4 लीटर कापा टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें कि आपको 140 पीएस की पावर देखने को मिलती है और 247 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको देखने को मिलता है, और ये इंजन ऑप्शन आपका 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ में आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुशाक में हमें क्या इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। कुशाक में हमारे पास में एक 1 लीटर इंजन आता है जिसमें कि 85 किलोवाट की पावर है, 85 हॉर्स पावर है एंड 178 Nm का पीक टॉर्क हमें देखने को मिलता है, और ये इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल है। और सेकंड इंजन जो हमारे पास में है वो है 1.5 TSI इंजन जो कि DSG गियर बॉक्स के साथ में आता है, और इसमें ACT एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है,
और स्कोडा इसके बारे में इसको काफ़ी प्रोपोगेट भी कर रही है, इसको काफ़ी प्रमोट भी कर रही है। और ACT कैसे काम करता है, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी मैं इस चैनल पे एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से काम करती है। इस इंजन में 110 PS की पावर आपको देखने को मिलती है और 250 Nm का आपको पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पैरामीटर की तरफ जो कि है सेफ्टी। सेफ्टी एक फॉरमोस्ट कंसर्न है और हर कोई ये जानना चाहता है कि मेरी गाड़ी अगर मैं उसमें 15 लाख 20 लाख जो भी 10 लाख 8 लाख जो भी मैं लगा रहा हूँ पैसा, उस गाड़ी के अंदर मेरे को सेफ्टी का कितना ज्यादा एश्योरिटी मिल रही है। तो सेफ्टी की बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रेटा से। तो क्रेटा में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ड्राइवर, पैसेंजर, साइड एंड कर्टन एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद में क्रेटा के और जो सेफ्टी फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ए स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर मेड विद AHSS की बॉडी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, जिसमें कि 4 रियर पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC इस गाड़ी में आता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट VSM आपको देखने को मिल जाता है, रियर डिस्क ब्रेक्स भी गाड़ी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि एक नया फीचर जिसको कि हुंडई कहती है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल आपको HAC आपको देखने को मिलता है, और डुअल एयरबैग्स और ABD विद EBS आपके सारे के सारे वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं कुशैक के सेफ्टी फीचर्स की। तो कुशैक में भी आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। अब अगर इसके आगे हम बढ़े तो फिर आपको हिल होल कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है, मल्टी कोलिजन ब्रेक आपको देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ASR, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, रोल ओवर प्रोटेक्शन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, मोटर स्लिप रेगुलेशन MSR, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम, फ्रंट साइड एयरबैग्स, कर्टन एयरबैग्स, ड्राइवर एंड पैसेंजर फ्रंट एयरबैग्स जैसे आपको सेफ्टी फीचर्स स्कोडा कुशैक में देखने को मिल जाते हैं। अब जो हमारा थर्ड पैरामीटर है प्राइस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हुंडई क्रेटा जो आपकी स्टार्ट होती है वो 9.99 लाख, ये प्राइस जो है वो न्यू दिल्ली से मैंने लिए हैं। 9.99 लाख एक्स शोरूम से 17.70 लाख तक जाते हैं। ऑन रोड प्राइसेस ये नहीं है, ये एक्स शोरूम प्राइस है, तो इसमें आपको मोटा मोटा आइडिया लग सकता है। और कुशैक की अगर हम बात करें तो कुशैक की जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होती है 10.49 लाख से और इट गोज ऑल द वे अप टू 17.59 लाख। दिस इज एक्स शोरूम प्राइस अगेन एज आई मेंशन from New Delhi। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन दोनों ब्रांड्स ने क्या क्या फीचर्स दिए हैं अपनी गाड़ियों में जिससे कि इनकी गाड़ियां सेगमेंट में स्टैंड आउट पोजीशन होल्ड करती हैं। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले क्रेटा की। क्रेटा में आपको ट्रैक्शन मोड्स, ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाते हैं, उसके अलावा 7-speed DCT, 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन IVT देखने को मिल जाता है। ड्राइव मोड्स में आपको इको स्पोर्ट एंड कम्फर्ट मोड्स देखने को मिल जाते हैं। क्रेटा में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, पैडल शिफ्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो क्रेटा की USP है जिसके लिए ये काफी जानी जाती है, इसमें आपको पूरी फुल पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। उसके अलावा क्रेटा में ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर देखने को मिल जाता है, सूदिंग ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड देखने को मिल जाता है, ऑटो हेल्दी एयर प्योरीफायर की फीचर भी आपको मिलती है, सिग्नेचर कास्केडिंग ग्रिल आपको देखने को मिलती है जो कि बहुत शानदार लगती है, ट्रायो बीम LED हेडलैम्प्स विद क्रेसेंट ग्लो LED DRLs आपको देखने को मिल जाते हैं, R17 के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, वेलकम फंक्शन विद ऑटो अनफोल्ड ORVMs एंड पेडल लैंप्स आपको देखने को मिलते हैं, और ट्विन टिप एग्जॉस्ट टर्बो, ये सिर्फ टर्बो वेरिएंट में आता है। एंड क्रेटा का कहना है, हुंडई का कहना है कि दिस इज फर्स्ट इन सेगमेंट। अब बात कर लेते हैं कुशैक की। तो कुशैक में आपको अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको क्रिस्टलाइन LED हेडलैम्प्स विद डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिल जाती है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो एम्बिएंट लाइटिंग पैकेज आपको देखने को मिल जाता है, अवेलेबल इन व्हाइट कलर, और उसके अलावा यूटिलिटी रिसेस ऑन डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, एक स्पेसिफिक जगह जहाँ की आप थोड़ा बहुत लगेज या फिर मतलब छोटा मोटा कुछ भी सामान रख सकते हैं। स्मार्ट लिप टिकट होल्डर देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट होल्डर इलास्टिक स्ट्रिक देखने को मिलती है, रिफ्लेक्टिव सेफ्टी टेप ऑन ऑल फोर डोर्स देखने को मिलता है, 2-3 kg हुक्स इन द ट्रंक देखने को मिल जाते हैं, स्कफ प्लेट्स देखने को मिलती है विद कुशैक इंस्क्रिप्शन जो की उसमें बना हुआ है। यहाँ पे स्कोडा ने जो चीजें दी है दे आर एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल और जो डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं उन चीजों का कुशैक ब्रांड ने स्कोडा ने यहाँ पे ध्यान रखा है।
इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है हमारा, जिसमें कि हम दोनों गाड़ियों को जज करेंगे, कंपेयर करेंगे, वो आ जाता है हमारा इंटीरियर्स का और उनके कलर ऑप्शंस का। तो क्रेटा में यहाँ पे हमें दो तरीके के इंटीरियर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि पहला आता है टू टोन ब्लैक एंड ग्रेज इंटीरियर, यहाँ पे हमें डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है। और सेकंड इंटीरियर जो हमारा आता है वो आता है ऑल ब्लैक इंटीरियर विद ऑरेंज कलर पैक, जिसमें कहीं कहीं पे आपको ऑरेंज फिनिश वगैरह देखने को मिल जाती है। क्रेटा के कलर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास में रेड मलबरी, पोलर व्हाइट, टाइफून सिल्वर, लावा ऑरेंज, टाइटन ग्रे, जो कि हर वेरिएंट में आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो टर्बो वेरिएंट में आपको स्पेसिफिक कलर्स देखने को मिलते हैं, तो वो है पोलर व्हाइट विद फैंटम ब्लैक रूफ, लावा ऑरेंज विद फैंटम ब्लैक रूफ और डीप फॉरेस्ट सिंगल टोन। ये तीनों कलर ऑप्शंस आपको टर्बो वेरिएंट्स में देखने को मिलते हैं, जो 1.4 वाला हमारा जो टर्बो पेट्रोल इंजन था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कुशैक इंटीरियर्स, यहाँ पे अगर हम कुशैक की बात करें तो यहाँ पे जो इंटीरियर है आपका वो क्रोम एलिमेंट्स के साथ में आता है और ये ऑल ब्लैक विद पियानो फिनिश आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अपहोल्स्ट्री की बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने वेरिएंट वाइज अलग अलग सीटिंग ऑप्शंस, सीटिंग एक तरीके से सीट ऑप्शंस दिए हैं एक्टिव एम्बिशन स्टाइल में डिफरेंशिएट करके। और जो कलर्स आपको देखने को मिलते हैं वो है कार्बन स्टील, कैंडी व्हाइट, टोर्नेडो रेड, हनी ऑरेंज एंड ब्रिलियंट सिल्वर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स दैट इज ऑफर्ड ऑन बोथ द कार्स एंड द कलर ऑप्शंस दैट बोथ द कार्स ऑफर। बात कर लेते हैं हम कंफर्ट और स्पेस के बारे में, जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा जिसमें हम बात करने वाले हैं दोनों गाड़ियों में कंफर्ट और स्पेस के मामले में क्या क्या ऑफरिंग मिलती है। तो क्रेटा में अगर हम बात करें तो हमें रिमोट इंजन स्टार्ट विद स्मार्ट की देखने को मिलती है, स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 17.78 सेंटीमीटर 7 इंच सुपरविजन क्लस्टर विद डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है, फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, पावर ड्राइवर सीट 8 वे एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है, ऑटो एयर प्योरीफायर देखने को मिल जाता है। हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन ये चीजें भी आपके कंफर्ट और स्पेस में काउंट होती हैं, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन देम अगेन। ट्रैक्शन कंट्रोल मोड देखने को मिल जाते हैं, ड्राइव मोड सेलेक्ट आपको देखने को मिल जाता है, पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, एयर कंडीशनिंग, आउटसाइड मिरर, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग, फ्रंट कंसोल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, रियर सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट रिलीज एंड रियर एसी वेंट आपको उसमें क्रेटा में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कुछ यूएसपीज हैं क्रेटा की वो है रियर सीट हेडरेस्ट कुशन भी, जो इन्होंने फर्स्ट इन सेगमेंट का बताया है कि ये फर्स्ट इन सेगमेंट है। और इसके अलावा फ्रंट पावर आउटलेट, रियर वाइपर एंड वॉशर, मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग विद टिल्ट फंक्शन, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा रूम लैंप, बैटरी सेवर, एमटी मैनुअल ट्रांसमिशन, शिफ्ट इंडिकेटर, एलईडी मैप एंड रीडिंग लैंप्स, सनग्लास होल्डर, ग्लव बुक्स, कॉलिंग एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको क्रेटा में देखने को मिलता है। अगर हम क्रेटा के बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे 433 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद मूविंग टुवर्ड्स कुशैक आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, इसके बाद अगर हम बात करें लगेज कैपेसिटी की तो हमें 385 लीटर्स की लगेज कैपेसिटी कुशैक में देखने को मिल जाती है और 60-40 फोल्डिंग स्प्लिट सीट्स का इसमें ऑप्शन हमें मिलता है। उसके अलावा हमें फ्रंट कप होल्डर्स मिल जाते हैं, स्मार्टफोन पॉकेट मिल जाती है, रियर आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है विद कप होल्डर्स, क्लाइमेट्रॉनिक एयर कंडीशनिंग विद एयर केयर फंक्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है और रियर व्यू कैमरा विद स्टैटिक गाइडलाइंस हमें मिलती है, क्रूज कंट्रोल हमें मिलता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ हमें मिलती है, पैनोरामिक नहीं मिलती है यहाँ पे, हमें इलेक्ट्रिक सनरूफ विद बाउंस बैक मिलती है, पुश बटन स्टार्ट हमें मिलता है और यहाँ पे भी हमें कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट हमें मिलता है और यहाँ पर हमें ऑल न्यू टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद क्रोम स्क्रॉलर्स हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी हमें पैडल शिफ्टर्स की ऑप्शन दी गई है। इसके साथ साथ कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर आर्म फ्रंट आर्मरेस्ट सॉरी और स्टोरेज एज आई मेंशन दैट 385 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस हमें देखने को मिलता है, स्टोरेज कंपार्टमेंट इन फ्रंट एंड रियर डोर्स, बॉटल होल्डर्स इन फ्रंट एंड रियर डोर्स, कप होल्डर्स, सेंटर आर्मरेस्ट, स्टोरेज कंपार्टमेंट इन फ्रंट सेंटर कंसोल, ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट विद कूलिंग एंड रियर पार्सल शेल्फ ऑफर होती है। जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा जिसपे कि हम दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे वो होगा हमारा कनेक्टिविटी फीचर्स, जो कि हमें दोनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें कनेक्टिविटी के मामले में क्रेटा में जो साउंड सिस्टम मिलता है इसमें हमें 8 स्पीकर्स मिलते हैं, विच इज अ बोस म्यूजिक सिस्टम और बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ में आते हैं। इसमें कनेक्टिविटी के लिए हमें ब्लू लिंक जो ह्यूंडई का सिस्टम है वो देखने को मिलता है विद 50 फीचर्स एंड OTA मैप अपडेट्स, जिसमें 3 साल का फ्री ब्लू लिंक सब्सक्रिप्शन भी आता है। इसमें आप रिमोटली गाड़ी का इंजन
इंजन स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, रिमोट एयर प्योरीफायर ऑन कर सकते हैं, व्हीकल को अपने अगर चोरी हो जाता है तो उसको ट्रैक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन और इमोबिलाइजर को एक्सेस कर सकते हैं, मंथली हेल्थ रिपोर्ट देख सकते हैं, कनेक्टेड कार फीचर्स इन स्मार्ट वॉच ऐप देख सकते हैं और वॉइस ऑपरेटेड ओपन क्लोज सनरूफ भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं कनेक्टिविटी फीचर्स के मामले में कुशैक की तरफ। तो यहाँ पर हमें जो म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है उसमें स्कोडा स्पीकर्स हैं जिसमें कि 6 हाई परफॉर्मिंग स्पीकर्स हैं और एक सबवूफर है। इसमें हमारा माई स्कोडा कनेक्ट जैसे कि ब्लू लिंक हुंडई में है, ऐसे ही माई स्कोडा कनेक्ट आपको एप्लीकेशन से आप सारी ट्रैकिंग कर सकते हैं जिसमें कि आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, रियल टाइम स्पीड ट्रैकिंग कर सकते हैं, जियो ऑफेंस ब्रीच नोटिफिकेशन, रोड साइड असिस्टेंस, SOS इमरजेंसी, SMS विद लोकेशन, रूट ट्रैकिंग, डेविएशन अलर्ट, वॉक टू कार, डिवाइस टेम्परिंग अलर्ट, ड्राइवर बिहेवियर, टो अलर्ट, ये सारी चीजें आपको माई स्कोडा कनेक्ट में देखने को मिल जाती हैं। म्यूजिक सिस्टम में आपको फोन कनेक्ट, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो देखने को मिलता है। 25.4 सेंटीमीटर इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें कि स्कोडा प्ले एप्स आपको देखने को मिल जाती हैं। जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्स कुछ आती हैं आपकी वो हैं ऑडियो बुक्स, booking.com, गाना एंड सिजिक ऑफलाइन नेविगेशन। इस गाड़ी में आपको एक वैलेट मोड और अलग से मिलता है जिसमें कि अगर आपकी गाड़ी इफ समवन एल्स इज ड्राइविंग तो दिस फीचर स्टार्ट्स विद रिकॉर्डिंग द मूवमेंट्स एंड बिहेवियर व्हेन इन द हैंड्स ऑफ अ वैले। तो ये फीचर आपको अलग से इसमें देखने को मिल जाता है विच इज स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट इज ऑफर्ड इन अदर कार्स। तो ये सारी हमारी बात हो गई कनेक्टिविटी के बारे में। के बाद हम बात कर लेते हैं गाड़ियों के दोनों के व्हील्स, ट्रांसमिशन और सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रेटा में क्या क्या हमें ट्रांसमिशन ऑफर होते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 स्पीड मैनुअल IVT गियरबॉक्स देखने को मिलता है, 7 स्पीड DCT मिल जाता है, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी यहाँ पर क्रेटा में ऑफर होता है। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग एंड रियर में कपल टोरिजन बीम एक्सल मिलती है हमें। टायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो टायर साइज हमें देखने को मिलते हैं, 205/65 R16 का टायर देखने को मिलता है और 215/60 R17 का हमें टायर देखने को मिलता है विद देयर स्पेसिफिक वेरिएंट्स। और स्पेयर व्हील जो हमें दोनों ही वेरिएंट में यानी कि किसी में भी चाहे R17 का टायर हो चाहे R16 का टायर हो हमें 205/65 R16 का टायर एज ए स्पेयर व्हील मिलता है। ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो ब्रेक्स हमें फ्रंट डिस्क एंड रियर डिस्क बट ड्रम एज वेल इन सर्टेन वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं कुशैक की तरफ। तो कुशैक में हमें जो ट्रांसमिशन देखने को मिलता है वो दो गियरबॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, एक 6 स्पीड गियरबॉक्स एंड 7 स्पीड गियरबॉक्स। सस्पेंशन और ब्रेक की अगर हम बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन सस्पेंशन विद लोअर ट्रायंगुलर लिंक्स एंड स्टेबलाइजर बार, रियर की अगर हम बात करें तो ट्विस्ट बीम एक्सल, ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक डायगोनल स्प्लिट वैक्यूम असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है दोनों ही, और फ्रंट में हमें डिस्क और यहाँ पे रियर में हमें ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। व्हील्स एज पर वेरिएंट डिफर करते हैं एज यूजुअल इन ऑल कार्स। तो यहाँ पर R16 के व्हील्स हमें देखने को मिलते हैं और R17 के व्हील्स हमें टॉप मॉडल में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी हमें स्पेयर व्हील जो है वो R16 का ही मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस को देखें तो जो ओवरऑल लेंथ है वो क्रेटा की हमें देखने को मिलती है 4300 mm, ओवरऑल विड्थ जो देखने को मिलती है 1790 mm, हाइट 1635, व्हील बेस 2610 एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 50 liter, और ग्राउंड जो हमें क्रेटा की मिलती है वो है 190 mm। इसके बाद अगर हम कुशैक की डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ इज 4225 mm, विड्थ इज 1760 mm, हाइट इज 1612, व्हील बेस 2651, ग्राउंड क्लियरेंस इज 155 इन लोडेड एंड 188 इन अनलोडेड कंडीशन। तो दोस्तों होपफुली मैंने सारे एस्पेक्ट जितने भी कवर किए हैं उससे आपको काफी हद तक ये पता चल पाया होगा कि दोनों गाड़ियों में हमें क्या ऑफर होता है फीचर्स के मामले में, यूनिक फीचर्स के मामले में, सेफ्टी, इंजन, इंटीरियर्स, कंफर्ट, कनेक्टिविटी और सस्पेंशन, डायमेंशंस, हर चीज को मैंने कवर करने की कोशिश की है और सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इससे आप ये पता कर सकते हो, ये जज कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है। इसी तरीके की वीडियोस के लिए और आगे आने वाली वीडियोस में मैं क्या करने की कोशिश करूंगा कि मैं इन वेरिएंट कंपैरिजंस भी करूंगा। जैसे मान लिया कि आपका बजट जो है वो 14 लाख तक का है और आपको पेट्रोल वेरिएंट के साथ में गाड़ी के जाना है, आप
फ्यूल टाइप जो प्रेफरेंस है आपकी वो पेट्रोल है, तो आपके लिए कौन सी इन दोनों में से, और आपने मान लिया दो गाड़ियां चूज कर रखी हैं, यानी कि जैसे कि सेल्टॉस हो गई, कुशैक हो गई, क्रेटा हो गई, आपके लिए कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर है, ये जानने में आपको बहुत मदद मिलेगी उन वीडियो से। उसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू गाइज़।